अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कुनाफा। ये एक अरेबियन डिज़र्ट है और ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेवई ली है, ये देखिए, ये हम जो शीरखुरमा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं यही वाली सेवई मैंने ली है। वैसे तो कुनाफा के लिए अलग सेवई आती है, लेकिन ये वाली सेवई हर जगह आसानी से मिल जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो सेवई हैं, इसे हम बारीक बारीक अपने हाथों से तोड़ लेंगे। इसे हमें बारीक अच्छी तरह से मसल लेना है, इस तरह से। सारी सेवई को हम इसी तरह से तोड़ लेंगे। ये बहुत आराम से, बहुत आसानी से टूट जाती है। यहाँ पर मैंने एक पैकेट सेवई का लिया है जो 350 ग्राम का है। नॉर्मल जो एक पैकेट आता है शीरखुरमा वाली सेवई का, वही वाला मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये देखिए, मैं इसे आराम से अच्छी तरह से तोड़ रही हूँ। तोड़ने के बाद में हमें इसमें मक्खन डालना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मक्खन लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें फूड कलर डालूँगी, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया है फूड कलर और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे हमें आराम से हाथ से अच्छी तरह से इसे मसल मसल के मिला देना है। यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मिक्स करने के बाद में हमें इस सेवई को भूनना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई में डाल दिए सेवई, और सेवई को स्लो फ्लेम पे हमें 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मतलब इसका कच्चापन पूरी तरह से दूर हो जाए। तो सेवई को हम भून लेंगे, उसके बाद चलिए सॉस बनाने चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है और 2 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, और इसमें मैं 3 चम्मच शक्कर डालूँगी। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉस नहीं बनाना है। अगर आपको एकदम ठीक बनाना है तो आप 4 चम्मच ले सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस पर रखने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद हमें गैस पर चढ़ाना है। यहाँ देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे, और 4-5 मिनट तक हमें इसे मिक्स करते ही रहना है, ताकि इसके अंदर कोई गोटे नहीं पड़े। यहाँ देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया और मेरा अच्छी तरह से देखिए पक चुका है। यहाँ देखिए, इतने पे मैं यहाँ पे मावा ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मावा नहीं डालना है तो आप इसे और ठीक बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा 1/2 कप के करीब है ये मावा मैं इसमें डाल रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से आपको पसंद है तो आप डालिए। यहाँ देखिए, मैं इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 3-4 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसमें चीज़ डालूँगी। यहाँ पे मैंने 1 चीज़ क्यूब लिया है, जिसे मैंने कट कर लिया है। तो हम ये चीज़ी कुनाफा बना रहे हैं, तो इसमें चीज़ जितनी आप ज़्यादा डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और चीज़ देखिए बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है, बहुत जल्दी हो जाती है। हमें अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा करने के लिए इसे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें क्रीम डालते हैं। ये मैंने मलाई ली है दूध की, आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें वनीला एसेंस भी डालूंगी। अगर आपको वनीला एसेंस का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जब भी आप इसमें मलाई डालें तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो यहाँ पे अब मैं शुगर सिरप बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। इतना ही मैं इसमें शक्कर भी डालूँगी। यहाँ देखिए, दोनों का अमाउंट सेम रहना चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसे बराबर मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी। नींबू का रस डालने से शक्कर हमारी जमेगी नहीं पकने के बाद। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पे केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके उबाल आने तक हम पकाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करने वाली हूँ, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया। जब हम सेवई में डालेंगे तो वो और भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमें बस ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे 5 मिनट तक हम पकाएंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। चलिए अब असेंबल करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिश ली है। सबसे पहले हम इस डिश में बटर लगा देंगे अच्छी तरह से, जिसमें हमें सेवैयाँ असेंबल करनी है। यहाँ देखिए, मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है बटर। अब हम इसमें सेवई डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे। हमें पूरी सेवई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है। हम जितनी हमारी सेवई है उसका आधा हम इसमें डाल देंगे नीचे, और इसे अच्छी तरह से हम तह लगा देंगे। यहाँ देखिए, इसे हमें डालते भी जाना है और साथ में प्रेस भी करना है। तो इस तरह से देखिए, मैं चम्मच की मदद से इसे प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद हमने जो ये क्रीम बनाई थी, सॉस बनाया था, इसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। ये थोड़ी देर के बाद गाढ़ा भी होगा, और तो इसे हमें बराबर कर लेना है। आप चाहें तो और ठीक भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए,
अच्छी तरह से देखिए ये ठीक हो रहा है, इसे मैं बराबर कर देती हूँ। इसके ऊपर हमें दोबारा सेवई लगानी है जो हमने बचाई थी, उसे हम ऊपर से अच्छी तरह से डाल देंगे। जब ऊपर से सेवई डालेंगे तो उसे हमें दबाना नहीं है, बस हल्के से ऊपर रखते चले जाएंगे, जितनी सेवई हम बराबर से लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से सेवई लगाते चली जा रही हूँ। तो यहाँ लगाने के बाद चम्मच से हमें इसे बराबर कर देना है, बहुत ज़्यादा हम इसे प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारी क्रीम है वो ऊपर आ सकती है। इसके ऊपर मैं ये शीरा डाल रही हूँ जो हमने बनाया था, इसे हम अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि जो भी शीरे का मीठापन है वो सेवई के अंदर आ जाए। इसके ऊपर मैं देखिए पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ, पिस्ते को मैंने बारीक पीस लिया था, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर। यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से डाल देती हूँ, यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है। ये कंप्लीट होने के बाद में इसे हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, उसके बाद हम इसे निकाल के कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे कट लगा रही हूँ, ये आराम से कट हो जाता है। मैं इसे बड़ी बड़ी पीसेस में कट कर दूँगी, आप अगर चाहें तो इसे छोटी छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसे आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, गर्म भी, जैसा आपको अच्छा लगे। और बकरीद के मौके पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ये डिज़र्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।